वेलकम जी, वही मेहरबानी जी आप। थैंक यू। मैं वहाँ बैठा होता था कभी कभी, इमरान आता था कराची से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, मैं उनका इंतज़ार करता था जी। तो वो जब आ जाते थे कंटेनर में तो मुझे कहते थे हाथ से पकड़ करके कि चलें ऊपर चलें जी। और मैंने देखा जी हज़ारों की तादाद में यंग बॉयज यंग गर्ल्स बैठे हुए हैं वहाँ पर रात के 12 बजे तक इमरान की बातें सुनने के लिए जी। ये अल्लाह ताला ने इसको भेजा है जी, और ये मिशन इसके हवाले किया है जी कि इस मुल्क को बचाना है जी, इस मुल्क को बचाना है जी। और मैं इसलिए उसके पास जाता था फॉर टू रीज़न जी। मैंने सबको देखा है जी, मैंने अयूब खान को भी देखा है, मैंने याह्या खान को भी देखा है, बहुत क्लोजली। इसकी दो क्वालिटीज हैं, इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जी। ये पहली दफ़ा है जी कि एक ऐसा आदमी आ गया है जी जिसके साफ हाथ साफ हैं। ये जो इस मुसीबत में बमर में पाकिस्तान फंसा हुआ है, ये निकालेगा उसको भी फैसल जावेद के साथ ही मतलब। ये तो जी वहाँ पर ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ में ये अनाउंसमेंट करता था कि अब इमरान बोलने वाला है या शाह महमूद कुरैशी बोलने वाला है। कभी कभी हमारी बारी भी आ जाती थी जी। ये उनमें से है वो इंस्पायर्ड बाय इमरान जी। जिस तरह से धरने के अंदर आपने यूथ को मोटिवेट किया है और राइजिंग स्टार की आपकी स्पीच होती थी फिनोमिनल और बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक हो, मुझे प्रोग्राम के लिए इनकी बहुत ज़रूरत होती थी क्योंकि जो जज्बा बेदार करना था वो इनकी स्पीच से बहुत ज़्यादा। बहुत कैंडिडेट्स होते थे बेदार, मगर फैसल मुझे कहते थे आप तकरीर करें जी। मुझे कहते थे आप तकरीर करें जी। रोएदाद खान अपने किसी भी मेहमान को खाना खिलाए बगैर जाने की इजाज़त नहीं देते।